हिंदी पेडागोजी क्लास 9 सीटेट पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये आपको हेल्प करेगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये एक खास बात है, जिस काम को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस काम को करते हुए आपको 90% ऑफ द टाइम लगता नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, है ना। ये एकदम एक कोट भी है और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। आंसर कीजिए। चलिए मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार आंसर कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चों को असेस कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए फटाफट से चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें आंसर होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी बच्चे की भाषा प्रयोग करने की जो क्षमता है उसको आप असेस कर पाए, चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो, पढ़ने में हो, बेसिकली बच्चा लैंग्वेज को कैसे यूज कर पाता है, इस चीज को असेस करना आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर पाता है जिस भी वे में हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे थोड़ा सा। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट तरीका किस चीज में, भाषा के आकलन में यानी लैंग्वेज को असेस करने में। ठीक है बात। देखिए पहला ऑप्शन है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन, और लास्ट है आपका श्रुतलेख। बताइए एक बार। अनुस्वार अनुनासिक के डिफरेंस को समझेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन आज टेढ़े मेढ़े लगाए हैं, कुछ आसान है। डी ऑप्शन बिल्कुल, श्रुतलेख यानी डिक्टेशन कह सकते हैं हम इंग्लिश में, जिसमें जिसको इमला कह दिया जाता था पहले कि भाई टीचर बोले या कोई भी बोले और आप लिख रहे होंगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी की अशुद्धियां दूर होती हैं श्रुतलेख से। लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा के आकलन का, जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी तरीका नहीं कहलाएगा। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, इन सब में बच्चे की अभिव्यक्ति आएगी, यहां कहीं ना कहीं वो एक मैकेनिकल वे में काम कर रहा होगा। तो बेहतर तरीके हैं बाकी के तीन, इसलिए ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये गलत नहीं है बट सबसे कम महत्वपूर्ण है, इन चार ऑप्शंस में से सबसे कमजोर है ये, जो उद्देश्य था प्रश्न का उसके अनुसार। तो हमें चार ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, बहुत ज्यादा वहां आइंस्टाइन नहीं बनना होता, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यानी बात क्या हो रही है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का, यानी सिर्फ बच्चे की एबिलिटीज को ही आप असेस नहीं कर रहे हैं बल्कि शिक्षण की जो शिक्षण प्रक्रिया है, जैसा उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया उसका भी आकलन होता है। ये विचार कैसा है आपके नजर में, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है, बताइए। बेसलेस कहेंगे क्या आप इसको, हम तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको पूर्णतः सही है, यानी कि टोटली करेक्ट। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें मेरा भी असेसमेंट है कि आपने कितने अच्छे से सीखा था और वो कितना काम कर पाया। तो आपने कैसे पढ़ाया उस चीज को भी आप असेस कर पाएंगे और बच्चे ने कैसे सीखा उस चीज को भी। तो दोनों चीजें असेस होती हैं, आपकी टीचिंग का वे भी, आपके टीचिंग का मेथड भी। तभी तो आप रीप्लान करते हैं ना, रीफीडबैक लेते हैं कि आप सुधार कर सकें अपने तरीके में और बच्चा सुधार कर सके जहां उसको कमी फील हो। तो दोनों की तरफ से ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। देखिए हिंदी इंग्लिश में तो स्पेशली अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी, इवन पूरे सीटेट में यही बात साबित होती है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझ जाएं कोई आपका पेपर रोक नहीं सकता, है ना। तो ये हवा में बात नहीं कही जा रही है, सात बार क्लियर करके और लाखों लोगों के साथ जुड़ करके ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हवा में तीर फेंक दिया जा रहा है। बताइए एक बार। ए ऑप्शन अवलोकन, जी नहीं, अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, ये जो बच्चा है रितिका, इसकी जो लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी है, भाषा क्षमता है, भाषा निष्पादन यानी कि उसकी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस, वो कैसे परफॉर्म कर पाती है एट टाइम्स, इन सब के प्रति क्रमिक प्रगति, क्रमिक प्रगति यानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। जब आप प्रोग्रेसिव या कॉन्जिक्यूटिव वे में चीजों को डिटेल में रखते हैं अपने पास, बच्चे की अचीवमेंट्स को स्पेशली, तब ये पोर्टफोलियो बन जाता है। इसमें आप बच्चे की अचीवमेंट्स पर या जो भी उसने किया है उसके बारे में एक फाइल है, एक क्लास टू क्लास आपकी जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा ट्रांसफर होती जाएगी, इसमें पूरा लेखा जोखा होगा, आप देख पाएंगे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है आज तक और कैसे वो चीजों को करता है। बी फॉर विनोद, बहुत ही बढ़िया, पोर्टफोलियो जो है इसको भी आपने विनोद से जोड़ ही दिया, गजब। बोर नहीं हुए अभी तक विनोद का नाम ले लेके,
पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी फर्स्ट क्लास में क्या एक चीज है जिसको लिखने के अंतर्गत माना जाएगा, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना या फिर चित्र बनाना। आंसर कीजिए फटाफट से, डी चित्र बनाना। एग्जैक्टली, अगर बच्चा स्क्रिबलिंग भी करता है, चित्र भी बनाता है, ड्रॉ भी करता है, तब भी वो लिखने के अंतर्गत ही काउंट होगा फर्स्ट क्लास में। 5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का अच्छे आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी बच्चा पढ़ना सीख रहा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा या नॉट सो इंपॉर्टेंट क्या होगा, अनुमान लगाना संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। पढ़ने का उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, अक्षरों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अब पता नहीं इन्होंने ये क्या सोच के इसको आंसर रखा है ऑफिशियली भी, या तो इन्होंने ये प्री प्राइमरी वर्क कर दिया है कि मतलब प्ले वे में ही सीख जाए अक्षर, पता नहीं क्या सोच के। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ना सीखने में ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट है ना, अब ये फैक्चुअल हो गया तो आंसर इसका सी ही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखो संदर्भ में समझना, अनुमान लगाना, ये दोनों अच्छी चीजें हैं। पढ़ने का उद्देश्य वॉज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आंसर इज अक्षरों की पहचान। भाषा, इसी को सीटेट कहते हैं कभी कभी, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए एक बार, भाषा अर्जन क्षमता जो है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी जो है वो किसके साथ संबंधित है? एक व्यक्ति याद आ रहे होंगे आपको, प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा। यहां कितने आदमी थे नहीं चलेगा, ऑप्शन जो है आंसर सिर्फ एक ही होगा, हो कितने भी चूज आपको एक ही करना है, ठीक है? तो बताइए एक बार, बी, फिर से विनोद के पास चल गया, बी फॉर विनोद, ठीक है, चॉम्स्की, ठीक। तो ये भाषा अर्जन क्षमता यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो एबिलिटी है, चॉम्स्की कहते हैं कि जन्मजात होती है हमारे अंदर, मतलब इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमंस में लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ये बात बेसिक सी है और सही भी है ना। ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना कुछ खास एफर्ट लगाए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन सा एक रिसोर्स है जो प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। आंसर कीजिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा प्राइमरी लेवल पर? फिर से बी, बहुत बढ़िया, बाल साहित्य, एग्जैक्टली, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है, जिसको जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, बड़ी आसान सी कहानियां होती हैं, शायद इमेजिनेशन बच्चे की डेवलप होती है, शायद आपने कभी पढ़ी हो ऐसे बगुला की और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां, मेरे को बिल्कुल ऐसे बचपन याद आ गया है ना, तो इतनी सारी जो है वो स्टोरी बुक्स, मतलब बढ़िया होता है बाल साहित्य, क्या है बच्चे की इमेजिनेशन से लेके उसकी रीडिंग हैबिट्स तक अच्छी होती है, शायद इसी वजह से मैं इतना तेज बोल पाती हूँ, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। मातृभाषा यानी उनकी मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को, अपने आप को वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है? आंसर कीजिए, नंदन चंपक, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, स्वाभाविक है भाई, नेचुरल है, जब मातृभाषा उन्होंने सीखी है नेचुरली, तो और कौन सा अरबी फारसी में बताएंगे हैं, और अरबी फारसी भी अगर मातृभाषा होगी तो उसमें भी बता देंगे, ठीक, मतलब नेचुरली एक्वायर्ड है, स्वाभाविक है, जो भाषा उन्होंने एक्वायर की है, अर्जित की है अपने माहौल से, उसी में तो अपनी बात को आसानी से कह पाएंगे और यूज करेंगे, उसको नेचुरल है, तो स्वाभाविक बात हुई, इसको अड़चन नहीं मानते हम, एक संसाधन मानते हैं मातृभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। अब देखो, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके हिंदी पेडागॉजी में स्पेशली, जिनमें ऐसा दो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होगा, दो वर्ड का, अब इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे, याद मत कीजिए, समझिए क्वेश्चंस को, तभी हेल्प होगी, अदरवाइज फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट होके आ जाए, ऑप्शन में भी बदलाव होगा, लैंग्वेज में भी बदलाव होगा। सी ऑप्शन, यानी संस्कृति व साहित्य, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, सही है सी ऑप्शन, संस्कृति व सभ्यता का, संस्कृति व साहित्य का अभिन्न अंग है, जम नहीं रही यार बात, बहुभाषिकता साहित्य का अभिन्न अंग है, नहीं नहीं, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, ए ऑप्शन बनना चाहिए इसका सही आंसर, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति या कल्चर और जो भी कहेंगे सभ्यता को, दोनों का अभिन्न अंग है, ए ऑप्शन बनेगा इसका सही आंसर। किसी ने लिखा है, हाय हिमांशी जी, हेलो, नाम नहीं पता आपका मुझे,
तेजी से निकल गया, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, यानी प्राइमरी लेवल पर अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लेवल की एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कार्टून दिए हुए हैं, भाषण है, विज्ञापन है यानी जो एडवर्टीजमेंट है, इससे बच्चों की भाषा विकास में क्या होगा, सहायता मिलेगी, सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे या अनुपयोगी होंगे, बताइए एक बार आंसर कीजिए। 116 का ए कह रहे हैं आप लोग, सहायक होगी, एग्जैक्टली भाई, जो भी है ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं जिनके थ्रू वो लैंग्वेज को अच्छा कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, ध्यान से आंसर कीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। मैंने आपको कहा था शुरुआत में अनुनासिक और अनुस्वार की बात करेंगे, है ना। खैर बताओ एक बार, कई लोग तो बिल्कुल ही अलग ही जोन में आते हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों के, ऐसा होता नहीं मतलब कि वहां पे लाइव चल रहा होगा, चलो चलते हैं कुछ कमेंट करके आते हैं, ये वाले एटीट्यूड से जो लोग आते हैं बड़े खतरनाक है। देखो एक बार, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप लोग बी आंसर पता नहीं किस खुशी में दे रहे हैं, है ना। आंसर होगा इसका डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, यानी ओवर जनरलाइज कर लिया है उसने। बच्चा क्या करता है, कई बार कोई एक चीज सीखी उसको हर जगह यूज करने लग जाएगा, ये वही है जिसको जनरलाइजेशन या अति सामान्यकरण कहेंगे। अनुनासिक उसने चिन्ह सीखे और फिर उसने हर जगह उसी को यूज करना शुरू कर दिया, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी। देखो अनुनासिक और अनुस्वार में फर्क क्या है, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से बेसिकली एक नाद क्या कहें प्रकट होगा, या प्रकट तो नहीं कहेंगे बट क्या कहेंगे उसको, प्रोड्यूस होने को क्या कहेंगे, उत्पादन होगा, जो भी कहेंगे, मतलब बेसिकली नाक और मुंह दोनों से दोनों का यूज होगा बोलने में। तो आंख हो गया, तो नाक और मुंह दोनों से हवा या जो भी यूज किया जाएगा दोनों को, और जहां सिर्फ ये अंक की बिंदी होती है वहां वो उसको हम अनुस्वार कह देते हैं, क्योंकि सिर्फ नाक का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि कोई भी वर्ड बोलो संयम है ना, तो सिर्फ नाक का इस्तेमाल हुआ, मुंह का मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर दोनों का यूज हो तो अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु में अनुनासिक, और जो नॉर्मल अंक की बिंदी होती है उसमें अनुस्वार। ठीक है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब आप लैंग्वेज टीचिंग के लिए कोई एक प्रोग्राम रख रहे हैं स्कूल के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। आंसर कीजिए एक बार, हाँ आंसर कीजिए, हाँ जब ध्वनि का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो तो उसे अनुनासिक कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन वाइज तो यही जाएगा एकदम, है ना, बट फ्लो नहीं बनता क्योंकि आजकल हिंदी जो है कम टच में है, टच में क्या यूज कम की जा रही है, वही बात है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बात तो ठीक है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को, यानी वो कितना नेचुरली अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, उस चीज को पहचानना, वो कैसे अभिव्यक्त करता है खुद को, सबसे बेहतर बात यही होगी, सिर्फ पठन नहीं ओवरऑल लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने लिखने रटने या समझने, बताइए एक बार, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को रटने की नहीं, लिखने की नहीं, समझने की तो एटलीस्ट समझ लेकर के आते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुभाषी परिवेश से आ रहे हैं, हो सकता है घर में पंजाबी बोली जाती हो, पड़ोसियों से बात हिंदी में करते हो, कोई और दूर के रिश्तेदार हैं उनसे भोजपुरी में बात हो रही है, मतलब कि दो तीन भाषाएं वो समझने की क्षमता रख सकते हैं, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट मातृभाषा तो जानेंगे जानेंगे, उसको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, रटना आता हो जरूरी नहीं है, बट समझते होंगे दो भाषाओं को जिसमें आप उनसे वार्तालाप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, बताइए अब इसमें फिट कीजिए क्या आएगा, पहले डैश में क्या आएगा, पहले फिल द ब्लैंक में, और दूसरे में क्या आएगा, बताइए। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या अवधारणाएं, यानी कि उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उसकी शब्दावली यानी वोकैब भी आपको समझ में आए, तो सी ऑप्शन यहां बेस्ट बनेगा, यानी थ्री कह सकते हैं ऑप्शन नंबर। विषय वस्तु तो कॉन्टेक्स्ट, आपको सारी सामग्री पता हो किसी भी लैंग्वेज की, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, उसमें दुनिया भर का लिटरेचर लिखा जा चुका होगा, दुनिया भर की कविताएं होंगी, आपको तो सिर्फ इतना पता होगा, विषय वस्तु आप सारी कैसे जान सकते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि यानी कौन सी एक एक्टिविटी है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी एट द लेवल ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन? बताइए एक बार, सबसे कम, ये सबसे कम अगर आपने मिस कर दिया एक नंबर आपका, एक एक करके पता नहीं कितने नंबर आप सीटेट में खो देंगे। घटना वर्णन, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना? बताइए, कहानी को शब्दशः दोहराना। आंसर क्या होगा इसका? सबसे कम इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा वर्ड टू वर्ड रिपीट कर दो, इसमें तो आप फिर रट्टाफिकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रटने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर बच्चा शब्दशः कैसे दोहरा देगा, अपनी भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सके वो बेस्ट रहेगा। यानी घटना वर्णन, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इन सब में उसका दिमाग यूज होगा, यहां उसकी मेमोरी यूज होगी। जब भी सिर्फ मेमोरी यूज हो तो रटने की तरफ लेके जा रहे हैं आप, ठीक है बात।